नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज मैं आपको बताने जा रही हूं बिरसा मुंडा के बारे में। जी हाँ, बहुजनों के महानायक जिनके पास कोई भी हथियार होने के बावजूद भी वह अंग्रेजों से लोहा ले आए थे, वह थे बिरसा मुंडा। जी हाँ, मैं आपकी दोस्त निशा आपको उनके इतिहास के बारे में बता रही हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवम्बर 1875 में छोटे नागपुर मुंडा परिवार में हुआ था। सालगा गाँव में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के बाद चाय बोसम इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आए थे। उनका मन हमेशा अपने समाज की ब्रिटिश शासक द्वारा की गई बुरी दशाओं पर सोचता रहता। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को ब्रिटिश शासक से मुक्ति दिलाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1824 में छोटे नागपुर में महा अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा मुंडा ने महायोग से अपने लोगों की सेवा की। 1 अक्टूबर 1894 में नौजवान नेताओं के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र किया और उन्होंने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 वर्ष की कारावास हो गया। सभी मुंडाओं और उनके शिष्य ने यह ठान रखा था कि अपने क्षेत्र अकाल पीड़ित लोगों की वह सहायता करेंगे। बिरसा मुंडा अपने ही जीवन काल में एक महापुरुष का दर्जा पाया था। उन्होंने उनके क्षेत्र के लोग उन्हें धरती बाबा के नाम से पुकारते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। 1897 से 1900 के बीच मुंडा और अंग्रेजों में युद्ध होता रहा। बिरसा और उनके चाहने वाले सभी लोगों ने अंग्रेजों की नांग में दम कर रखा था। 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने अपने तीर कमानों को साथ ले जाकर खूंटी थाने पर ढावा बोल दिया। जनवरी 1900 में डामबोड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ जिसमें सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे मारे गए थे। वहीं बिरसा मुंडा जनसभा संबोधित कर रहे थे कि उनके कुछ सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में 3 जनवरी 1900 को खुद बिरसा मुंडा को चक्रधर में गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा की अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली थी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में स्थित है और वहीं उनका स्टैचू भी लगा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।